हेलो फ्रेंड, वेलकम टू न्यूज इनसाइड। दोस्तों, टीवी इंडस्ट्री में बहुत सारे एक्टर आते हैं जाते हैं और कुछ एक्टर ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा नाम कमा लेते हैं। इस वीडियो में हम करेंगे कंपैरिजन बिटवीन मोस्ट हैंडसम एक्टर धीरज धूपर एंड द राइजिंग स्टार ऑफ टेलीविजन साई केतन राव। धीरज धूपर जो कि टीवी इंडस्ट्री में 12 साल से हैं, धीरज धूपर ने अपने करियर की शुरुआत काफ़ी छोटे सीरियल से की थी और अब धीरज धूपर टीवी इंडस्ट्री के नंबर वन एक्टर की लिस्ट में आते हैं। अभी वो जिस सीरियल में काम कर रहे हैं कुंडली भाग्य, तो यह भी रैंकिंग के मामले में नंबर वन पर चलता है। धीरज धूपर की फैन फॉलोइंग टेलीविजन पर काफ़ी ज़्यादा है और साथ ही इंस्टाग्राम पर उनके 3 मिलियन से ज़्यादा फॉलो हैं। इसी वजह से धीरज धूपर को लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और इसी वजह से शो की TRP भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। धीरज धूपर जो कि अब OTT प्लेटफॉर्म की तरफ भी रुख कर रहे हैं और जल्दी ही धीरज धूपर की एक नई वेब सीरीज भी आने वाली है। वहीं बात करें अगर साई केतन राव की इन कंपैरिजन ऑफ धीरज धूपर, तो साई केतन राव पहले तो शॉर्ट फिल्म में काम कर चुके हैं और यह उनका पहला पैन इंडिया शो है मेहंदी है रचने वाली, और इस शो में अभी उन्हें 6 मंथ ही हुए हैं काम करते हुए, उनका फर्स्ट डेब्यू शो है उनकी लाइफ का। लेकिन इसके बावजूद भी साई केतन राव काफ़ी ज़्यादा फैन फॉलोइंग बटोर रहे हैं और साई केतन राव की एक्टिंग, उनके बोलने के स्टाइल को फैंस काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इसी वजह से शो की TRP भी अब बढ़ने लगी है। स्टार प्लस का शो मेहंदी है रचने वाली, जो कि अभी लास्ट 6 मंथ पहले ही स्टार्ट हुआ था, इस शो में राघवी की जोड़ी यानी कि साई केतन राव और शिवांगी खेरकर की जोड़ी को फैंस काफ़ी ज़्यादा प्यार देते हैं, काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएशन देते हैं। लेकिन इन कंपैरिजन ऑफ शिवांगी खेरकर, साई केतन राव की एक्टिंग को ज़्यादा अप्रिशिएशन मिलता है और इसी वजह से साई केतन राव की फैन फॉलोइंग भी अब बढ़ रही है। हालांकि साई केतन राव की इंस्टाग्राम पर ज़्यादा फैन फॉलोइंग नहीं है, अभी उनके 2 लाख से ज़्यादा ही फैन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पर, लेकिन 2-3 ईयर्स में हो सकता है कि साई केतन राव TV इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स को छोड़कर रैंकिंग के मामले में आगे आ जाएं, क्योंकि साई केतन राव ने अपने फर्स्ट शो में ही अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देकर दर्शकों का दिल जीत लिया है और यही शो उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन सकता है जिससे वो करियर में और आगे जा सकते हैं। दोस्तों, इतना सब बताने का मतलब बस यही है कि क्या आपको लगता है कि साई केतन राव की बढ़ती हुई फैन फॉलोइंग, उनके शो की बढ़ती हुई TRP आने वाले फ्यूचर में धीरज धूपर की फैन फॉलोइंग को सरपास कर देंगी? क्या साई केतन राव की फैन फॉलोअर्स और उनकी रैंकिंग बहुत तेजी से ग्रो होगी जो कि धीरज धूपर को पीछे छोड़ देगी? क्या आपको ऐसा लगता है कमेंट सेक्शन में बताइए। और आप इन दोनों में से किस एक्टर की एक्टिंग को ज़्यादा पसंद करते हैं? आप साई केतन राव को ज़्यादा पसंद करते हैं या फिर धीरज धूपर को? और आपको शो कौन सा पसंद है? आप कुंडली भाग्य शो के फैन हैं या फिर मेहंदी है रचने वाली इस शो के फैन हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताया करिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो चैनल पर आते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।